सारी दुनिया को पता चला, उसी तरह मुझे भी पता चला, एक मैसेज आया। कोई नहीं बता रहा है। आपने पुलिस वालों से पूछा, कोई नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? रातों रात कैसे ट्रांजेक्शन आप बंद कर सकते हैं? आरबीआई अगर कोई सर्कुलर देता तो 15 दिन का नोटिस नहीं देता? जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग हुआ था, आपने 15 दिन की मुद्दत दी थी कि सब जन अपने अपने पैसे बदल दो, तभी इसके लिए भी देना चाहिए था। रातों रात इंसान अपने कोई ऑफिस से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, कैसे आएगा, और आप कोई इंटीमेशन नहीं दे रहे। एफडी है, आरडी से क्या करेंगे? 6 महीने में 1000 रुपए निकाल के क्या करेंगे? उस 1000 की बुक्कत है, 10 रुपए की वैल्यू के भी बराबर वो नहीं रहा है, तो करेंगे क्या हम 1000 रुपए 6 महीने में? अगर आज आपका अकाउंट होता और आपको 1000 रुपए चाहिए तो आप 1000 रुपए में ले लेते थे? आप मेरी जगह खड़े रहेंगे तो आप क्या बोलोगे? हमारा मेहनत का पैसा है। आप बोलते हैं 6 महीने में आप एफडी नहीं निकाल सकते, आरडी नहीं निकाल सकते, तो करना क्या चाहिए? 6 महीना भूखा मरेगा आदमी? जिसकी माँ मर रही होगी, बाप मर रहा होगा, कौन पैसा देगा? आरबीआई देगा कि बैंक देगा? कौन देगा? अरे आप ब्लैक का मनी पकड़ते पकड़ते व्हाइट मनी को कैसे होल्ड कर गए? ब्लैक का मनी पकड़ना है ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बोल रहा है कि मुझे ब्लैक का पैसा उठाना है, लोगों की चोरियां हो रही है, तो आप मेहनत का व्हाइट पैसा कैसे ब्लॉक कर रहे हो? और ब्लॉक करने से पहले इंटीमेट नहीं करता? क्यों नहीं करता है वो? इसका जवाब देगा कौन? इसका जवाब देगा कौन? अगर एक पुलिस वाले से पूछे तो वो बोलता है हमको नहीं पता। थोड़ी देर पहले एक लेडी ने पुलिस वाले को पूछा कि मेरी एफडी को इफेक्ट होगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्वेश्चन ये नहीं कि मिलेगा, मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा? मेहनत का पैसा हर आदमी का, तो फिर आप ब्लैक कंपनी क्यों पकड़ रहे हो? तो वो अच्छा है इससे, तो इससे मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा अच्छा है। फिर मेहनत के पैसे के लिए अगर आदमी को ऐसे आना पड़े तो उसकी वैल्यू नहीं रही ना, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रही। आज आपका मेहनत का पैसा ब्लॉक हो जाए तो आप क्या करोगे? व्हाट इज योर रिएक्शन? द सेम रिएक्शन हर आदमी को होगा। और आप शटर बंद करके खड़े हो 50 पुलिस वालों को खड़ा करके? सरकार से क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या मांगेंगे? सरकार कुछ बोले ना? सरकार बोलती नहीं है, सरकार एक मैसेज छोड़ देती है। सरकार बोले, सरकार बोलती क्यों नहीं है? सरकार ने 15 दिन पहले बोलना चाहिए था, एक मैसेज नहीं छोड़ना चाहिए था। आपको क्या लगता है हर आदमी मैसेज पढ़ेगा? ऐसे नहीं हो सकता है ना। कोई आदमी किस काम में होगा, किसकी माँ मरी होगी, हॉस्पिटल में होगा, वो मैसेज पढ़ के माँ को मरते छोड़ के इधर आएगा? माँ को देखेगा कि पैसा देखेगा? क्या देखेगा? बिना पैसे के तो अर्थी भी नहीं उठेगी ना। सरकार को बोलने के लिए सरकार आनी चाहिए, सरकार ने पहले बोलना चाहिए, ना कि सरकार ने ये करना चाहिए। मेरे डैडी का रिटायरमेंट का 10 लाख रुपया मैंने बैंक में डाला था, और मेरा खुद का सैलरी का अकाउंट जो था वो 2 लाख रुपया जमा कर रहा है। अभी मेरे डैडी का हर मेरे को हफ्ते में 600 रुपया मेरे को लगता है इसका दवा के लिए, और मेरे 2 महीने के बाद मेरे भाई का शादी था। अभी मैं क्या करूँ बोलो आप? ये पूरे कोलैप्स्ड है, मॉर्निंग से अभी खड़े हैं यहाँ पे, सुबह 8 बजे से लेके अभी तक मैं आई एम स्टैंडिंग हियर ओनली। कुछ इनको सामने से कुछ मिल नहीं रहा, डैडी से फोन आ रहा है, सबका फोन आ रहा है। इनकी भाई की शादी भी, अभी शादी का भी पूरा कैश इनका इधर जमा हुआ है, और लड़की का भी, फियोंसी का है, उसका भी कैश इन्होंने इधर जमा कराया था। और जबकि अभी इनका जैसे 10 लाख रुपया रिटायरमेंट का इधर जमा है, गांव में घर का काम चल रहा है, इनके शादी घर में इनके, ना इस कोलैप्स टोटली हो रही है। कब से वो खड़े कोने में खड़े रो रही है,